Hello everyone, this is Abrajita from eVidyarthi.in and let's start a new chapter from your civics book, chapter number 7, Understanding Marginalization. Abba, ye jo bhari bharkam naam hai na, marginalization. Iska matlab pehle hum samjhenge ki iska matlab kya hota hai, bada saral sa matlab hai. Theek hai, marginalization to treat a person or a group that they are not important. भाई सरल सा मतलब है कि किसी person या किसी group को, ठीक है, किसी कबीले को या फिर किसी community को बहुत ज्यादा अलग नजर से परखना या देखना. अब इसके बहुत ही सरल से उदाहरण आपको बताती हूँ, वो समझ लीजिए. आप अपनी क्लास में एक स्टूडेंट है, आप थोड़ा कम बोलते हैं, आपको थोड़ा सोशल होना पसंद नहीं, आप इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बोलते हैं, अपने अपने में रहते हैं, तो सब आपको ऐसे देखेंगे, कितना कम बोलती है, ये तो आती नहीं है, तो खेलती नहीं है, ऐसे करके देखेंगे जैसे आप बिल्कुल ही अलग हो. वो तो आपका मन है ना कि आप कम बोलते हो, आप थोड़ा कम सोशलाइज होना पसंद करते हो, लेकिन आपको बिल्कुल अलग ही मान लिया जाएगा क्लास से, है ना. ऐसा होता है ना, समझ लीजिए पूरी क्लास में सारे हिंदू बच्चे बैठे हैं और अचानक से एक पारसी बच्चा आके बैठ जाए, ठीक है, उसको भी ऐसे देखेंगे. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. मार्जिनलाइजेशन यानी कि किसी भी इंसान या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को अलग आंख से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सब लोग सेम हैं. सो इसी का ये पर्टिकुलर मतलब इसी का ये बनता है. और इसमें दो ग्रुप्स की भाई बातें हुई हैं, एक है ट्राइबल लोग, दूसरे हैं मुस्लिम लोग. जी हाँ, मुस्लिम लोगों के साथ भी ऐसा होता है. तो आगे देखते देखते इस चैप्टर में हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है. मार्जिनलाइजेशन का मतलब आपको शायद समझ आ गया होगा अभी तक, ठीक है. फिर क्या आता है, मे हैव फेल्ट मार्जिनलाइज्ड इन क्लासरूम और इन द होल इंडिया इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल स्फीयर. अब भाई आप देखते हैं कि बंगाली लोग हैं, जो बंगाली लोग हैं वो दुर्गा पूजा बनाते हैं, मतलब नवरात्रों के वक्त पे वो थोड़ा सा नॉनवेज खाते हैं, वो उनका अलग अलग एक फेस्टिवल का यूनिट है, अलग तरीका है. हिंदुओं में नवरात्रों में भाई मांस मच्छी का वर्णन भी नहीं करते, छूते भी नहीं है, तो वो अलग हो गया है. सबका अलग अलग तरीका है मानने का भगवान को, सबका अलग अलग तरीका है खाने का, सब कुछ अलग है, लेकिन वो उनका कल्चर है, वो उनकी डाइवर्सिटी है, उसको मारना गलत होगा, ठीक है. सो एक छोटा सा आपका ये कार्टून है, आप ही के चैप्टर में आपको कार्टून मिल जाएगा, ठीक है. यहाँ पे क्या बताया जाता है, एक दादू होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना अपने दादाजी को, वैसे यहाँ पे दादा बुलाया जा रहा है उन्हें. तो एक उन्हीं की पोती है, वो परेड में देख रही है कि ट्राइबल लोग है, डांस कर रहे हैं. आपने देखा होगा परेड में सिर्फ ट्राइबल लोग डांस करते हुए दिखाते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे बोल रही है कि भाई डांस करते हुए क्यों दिखाते हैं हर वक्त, हम लोग के अंदर और कुछ नहीं है, हम ट्राइबल पीपल हैं भाई, हम जानते हैं कितनी अलग अलग चीजें होती हैं, तो सिर्फ डांस करते हुए क्यों दिखाते हैं. सो फिर दादा ने यही बोला कि भाई वो हमारे बारे में इतना नहीं जानते हैं. फिर वो अपनी एक पूरी की पूरी एक स्टोरी बताने लग जाते हैं अपने पोती को कि मैं उड़ीसा में रहा करता था और वहां पे मेरा पूरा ट्राइब रहा करता था मेरे साथ. हम लोग अपने फॉरेस्ट में बहुत खुश थे, हम लोग पूजा पाठ करते थे बड़े बड़े पेड़ों की और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे पेड़ पौधों को, क्योंकि भाई आप जानते ही है भाई फॉरेस्ट से ही उनका सर्वाइवल चलता है, याद है ना आपको. फिर क्या बताया यहाँ पे, फिर वो धीरे धीरे करके बताने लग जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमें हमारे ही फॉरेस्ट से निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्टर आ गए थे, वहां पे अलग अलग काम करना स्टार्ट हो गया था भाई, और हमें हमारे ही लैंड से बेदखल कर दिया, हमें काफी ज्यादा मारा और थोड़े से चंद पैसे दे के हमें हमारे ही घर से बेदखल कर दिया. फिर ये जो दादाजी है वो ये बता रहे हैं भाई कि मुझे अलग अलग जगहों पे जाके काम करना पड़ा था भाई, पेट तो पालना ही होता, प्लांटेशन में कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके काम करना पड़ा. और फिर क्या, फिर उसके बाद ये बड़े होगा और ये अपनी पोती को ये स्टोरी बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग ट्राइबल लोग थे, ठीक है. तो वही पोती बोलती है कि भाई ऐसे करके नहीं होना चाहिए और मैं इसके ऊपर एक मूवी बनाऊंगी. सो यहाँ पे पर्टिकुलर स्टोरी बताई है उस इंसान ने कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो ट्राइबल था, उसके फॉरेस्ट पे कब्जा कर लिया गया क्योंकि वो ट्राइबल था, ठीक है. तो ट्राइबल लोगों के साथ क्या क्या होता है यहाँ पे ये बताया गया है. फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल स्फीयर में भाई इनको अच्छी तरीके से फैसिलिटी नहीं दी जाती है. आप ही जानते हैं भाई इनका ट्रेडिशन है
इनके अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, फेस्टिवल अलग तरीके से बनाते हैं, वो उनका अपना अधिकार है। इक्वालिटी सबको दे रखे तो उनको अलग नजर से क्यों देखना, उनको इकोनॉमिकली भी सही रखना चाहिए, पॉलिटिकली भी रखना चाहिए, सोशली भी उनको हर चीज का राइट देना चाहिए, ठीक है। और जॉब रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन भी सेम देनी चाहिए, हर चीज सेम देनी चाहिए जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को मिलती है, और यहीं पर ये चीज चूक जाती है, ठीक है। सो मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफन फील हॉस्टाइल एंड पावरलेस बाय डोमिनेंट सेक्शन। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जैसे ट्राइबल पीपल और मुस्लिम्स की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्टिव टॉपिक पे बात हो रही है इन दो लोगों की, राइट। सो क्या बताया जा रहा है कि वो लोग कभी कभी बहुत ज्यादा पावरलेस, यानी कि उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, हक ही नहीं है, और जितने उनके डोमिनेंट सेक्शन होता है, बाकी जितनी कम्युनिटीज होती है, वो उन पर दबदबा बनाने की कोशिश करती है, उन पर चढ़ने की कोशिश करती है। यहीं पे ये बताया जा रहा है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को कितना कुछ सहना पड़ता है, वो इक्वालिटी नहीं पा पा रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें उन्होंने झेली और कौन कौन से कॉन्सेप्ट उनसे रिलेटेड इस चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर।